अब इसमें अपना पेमेंट चेक करना है तो सिंपली यहाँ पे बोल रहा है अपना फोन नंबर डालने के लिए। तो आपका जो भी फोन नंबर डालकर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने श्रम कार्ड के अंदर, तो सिंपली इस पे डालना है। डालने के बाद आपको सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप समय से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मुझे ई श्रम में जो पैसा आता है उसे कैसे चेक करना है। तो दोस्तों जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब से ई श्रम कार्ड यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है तो काफी सारे लोग ई श्रम के पीछे भागना स्टार्ट कर दिए हैं। लोगों को पता भी नहीं कि भाई ई श्रम कार्ड मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। वो लेडीज हो या जेंट्स हो, बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोग बस सोच रहे हैं जैसे किसान योजना वाला पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो पैसा आता है 2000, इसमें भी दोस्तों ई श्रम कार्ड में बहुत सारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो एक ही स्टेट में जो है इसका पेमेंट जो है रिलीज किया गया था 5 जनवरी 2022 को यूपी में रिलीज किया गया था, जो कि 16 से लेकर और 59 साल के बीच में जो भी लोग हैं उनको जो है 500 करीब करीब यहाँ पे उनको पैसा जो है डिपोजिट किया गया था डीबीटी के माध्यम से। और दोस्तों उसका जो ई श्रम में पैसा डालने का जो नेक्स्ट जो डेट दिया गया था वो 31 मार्च 2022 था, जो कि आज के ही दिन था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर, अगर आपने ई श्रम कार्ड को बना लिया है तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल के और इजीली चेकआउट कर सकते हो कि आपका पेमेंट अभी रिलीज हुआ या नहीं हुआ। फिर से अभी तक आपको 500 रुपीज नहीं मिला है तो आप इजीली आप चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन अपने सिर्फ फोन नंबर डालकर, कि अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो। अभी अदर स्टेट का भी चालू नहीं हुआ है, हो सकता है कि आने वाला टाइम में गवर्नमेंट भी इस चीज पे कदम उठाए और लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर दे। लेकिन जैसा आएगा मैं आप सभी को अपडेट जरूर दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं 1000 रुपीज है दोस्तों यहाँ पे आपको रिलीज होने वाला है आज के डेट में। अब देखते हैं कब तक ये रिलीज होता है। तो सिंपली मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आप आसानी के साथ चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में है कि जैसे ई श्रम कार्ड की पहली किस्त जब जारी हुई थी वो 5 जनवरी 2022 को हुआ था, और ई श्रम कार्ड की दूसरी किस्त जो दोस्तों है 31 मार्च 2022 तक आज के दिन मतलब हो सकता है, जो कि 1000 रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको चेकआउट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है upssb.in पे आ जाना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा उत्तर प्रदेश अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, और सिंपली दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा वरण पोषण भत्ता योजना, जो कि यहीं से आप इजीली आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब इसमें अपना पेमेंट चेक करना है तो सिंपली यहाँ पे बोल रहा है अपना फोन नंबर डालने के लिए। तो आपका जो भी फोन नंबर डालकर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने श्रम कार्ड के अंदर, तो सिंपली इस पे डालना है। डालने के बाद आपको सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डालकर सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपका नाम यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और आपका फादर का नाम दिखाना स्टार्ट कर देगा, आपका एड्रेस दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पेमेंट दिखा देगा, कितना आपका सक्सेस हुआ है वो भी यहाँ पे दिखा देगा और स्टेटस भी यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी के साथ ई श्रम कार्ड के अंदर आपका पैसा आया है या नहीं आया है, या फिर से आज के रेट में हो सकता है कि रिलीज होने वाला है जो 1000 रुपीज, इसी तरीके से दोस्तों आपको चेक करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।